इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 2016 का एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2016 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था और बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, मैं क्वेश्चन बता देता हूं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को आप देखने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन पाएगी। देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन ये है कि 2 सर्कल हैं, ठीक है ना, ये दोनों सर्कल इस एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है, दोनों की रेडियस सेम है, ध्यान रखें, तब आपको ये बताना है। और इसको जब आगे प्रोड्यूस करते हैं तो इसको ए पॉइंट पर आता है और इसे ए पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जो सी पर कट करता है, ठीक है, तब आपको बताना है कि इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो क्या हुआ। कहने का मतलब है डी ओ डैश और सी ओ का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसके बाद वीडियो देखिए। चलिए सर, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। आप ले लें, आपको गिवन क्या है, इस बात को नोट कर लें। गिवन, आपको गिवन है 2 सर्किल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश एंड रेडियस आर आर। तो दोनों की जो रेडियस है वो कितना है, आर है। अब देखिए, आपको इसके बीच में और इसके बीच में रेशियो बताना है। आपको बताना है कि डी सी ओ डी ओ डैश और सी ओ डैश का रेशियो क्या होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आपको इस बात में एक बात और गिवन है कि एंगल ओ डैश डी ए, ओ डैश डी ए जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये कॉमन होगा दोनों में। आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ, ठीक है ना। आप लिख सकते हो कि एंगल ओ डैश डी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, ठीक है। मैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करूंगा और साथ में यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इज अ कॉमन, ठीक है, दोनों को, तो बाई ए सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ए डी ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। उसके बाद ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू डी ओ डैश अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ, ठीक है सर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, जरा देखिए कि ए ओ डैश क्या है, ए ओ डैश क्या है, ए ओ डैश रेडियस आर है। हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डी ओ डैश अपॉन सी ओ इक्वल टू आर, और जरा ए ओ बताइए कितना होगा, ए ओ यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखिए ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी रेडियस आर होगी यहाँ से यहाँ तक और ये भी आर होगा, तो आप कह सकते हो कि ए ओ जो होगा आपके पास 3R होगा,
आप इसे सॉल्व करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी ओ डैश अपॉन सी ओ इक्वल टू 1/3। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ये रेशियो बताना था कितना होगा, तो रेशियो कितना होगा 1/3 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और अच्छी तरह तब समझ में आएगी जब ये बात अपने फ्रेंड को बताओगे आप, जरूर बताइएगा। आजकल अपनी फ्रेंड की हेल्प करें और उनसे हो सके तो हेल्प ले भी, एक दूसरे से बताने से मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए, मस्त तरह की पढ़ाई करिए और हाँ मैथमेटिक्स डेली करिए, कम से कम 2 घंटे मैथमेटिक्स सेल्फ स्टडी करिए। केवल ट्यूशन से काम नहीं चलेगा, या सोच रहे हो कि स्कूल में पढ़ा दिया तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, आप खुद जब तक काम नहीं करेंगे, राइट। और मेरे यदि आप वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे कि मोबाइल हर समय चलता रहता है, आप उनको बता सकते हो कि आप काम की वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।